कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में घरेलू विवाद में पत्नी के फांसी लगाने के बाद पति ने भी जहर खा लिया। इस हादसे में पत्नी की मौत हो गई जबकि पति की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला सिपाहा गांव का जहां गिरा बात का है। घरेलू कलह के चलते पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद पत्नी ने फांसी लगा ली जिससे पत्नी की घर में मौत हो गई। पत्नी को फंदे पर लटका देखा तो पति ने भी जहर निगल लिया। पति की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिराथू क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि पारिवारिक तनाव की वजह से दंपति ने आत्मघाती कदम उठाया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है जहां जांच की जा रही है। थाना कड़ाधाम के जहांगीराबाद में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला घर के अंदर सुसाइड कर ली है, जिसके तत्काल मौके पर जाके देखा गया तो पाया गया कि महिला ने जो है फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी और इसके पति ने भी क्षुब्ध होकर जो है सुसाइड करने का प्रयास किया है। पॉइजन जो हिस्सा कि वहाँ पे पॉइजन की एक सीसी भी बरामद हुई है और उसका उपचार कराया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। और उसके जो स्टेटमेंट उसका लिया गया उसमें उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि उसकी पत्नी पारिवारिक कलह की वजह से ऐसा किया है और इसके बाद जो है उसने भी क्षुब्ध होकर कीटनाशक का सेवन किया था। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके आधार पर जो तथ्य प्राप्त होगी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के सिपाहा गांव का मजरा जहांगीरबाद नाम का एक गांव है जहां के निवासी बाबूलाल के तीन बेटे हैं। छोटा बेटा 35 वर्षीय गोलू फरीदपुर दिल्ली में रहता है। उसकी शादी 6 साल पहले पीपरी थाम क्षेत्र के मदारीपुर गांव में रीना के साथ हुई थी। 3 दिन पहले गोलू दिल्ली के फरीदपुर से घर वापस आया। वो पत्नी और बच्चों के साथ रविवार को ससुराल गया था जहाँ से सोमवार को दोपहर 3 बजे लौटकर घर आया। इस बीच पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नाराज पत्नी फंदे पर झूल गई और पति ने जहर खा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से अखिलेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।